हो पिछले क्लास के? सारे क्लियर हैं टॉपिक्स? देखो अच्छे खासे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, कम से कम 15-20 टॉपिक्स, जो कि हर कोई, जैसे जॉबलेस ग्रोथ बढ़ा तो वो एक खुद पोटेंशियल क्वेश्चन है, एक अपने आप में 10 मार्क्स में आ सकता है, 15 में आ सकता है। इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ा, वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह से 10-15 टॉपिक्स तो एटलीस्ट हमने कर लिए अच्छे से, हर कोई पोटेंशियल टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं गिग इकोनॉमी को, राइट? थोड़ा डिस्कस करो, बताओ क्या है गिग इकोनॉमी, कुछ पढ़ा है इसके रिगार्डिंग? एक दो लोगों ने डेफिनेशन भी लिख के आए हैं, ठीक है, कल बताया था। ठीक है यार, देखो इसकी ना वैसे प्रॉपर डेफिनेशन ना किसी को भी नहीं पता, सही बताऊं तो, कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, कि इसकी ये डेफिनेशन है। पर थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि कंसिडरिंग में, जैसे इन्होंने बोला कि सोशल सिक्योरिटी नहीं होती इनके पास, बात ठीक है, नहीं हमें देखने को नहीं मिलती, पर एक ना कोड आया था सोशल सिक्योरिटी कोड, जैसे चार लेबर कोड बताए थे ना, उसमें से एक कोड था सोशल सिक्योरिटी कोड। उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि हमें गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा कि सोशल सिक्योरिटी इनके पास नहीं होती। तो ठीक है, ये कोड के अंदर ना एक डेफिनेशन दे रखी है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जो आया था उसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है कि दोज हु वर्क आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सेटिंग। कहने का मतलब ना, हम ऐसे सोच सकते हैं, जैसे आप अपना ना पेरेंट्स को सोचो, आपके पेरेंट्स हो सकता है शायद एक जॉब लगी होगी आज से 30 साल पहले, मतलब हो सकता है आपके पेरेंट्स बैंक में हो और वो सारी जिंदगी शायद उसी बैंक में ही उन्होंने काम कर लिया, मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब ज़्यादातर का ऐसे ही केस होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, पर जनरली आजकल क्या होता है, आजकल आप इनको देखो, जो हम जब गिग इकोनॉमी की बात करते हैं, यहाँ पर उस तरह का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, समझ रहे हो, कि जल्दी जल्दी एक एक को छोड़ा, दूसरे पे चले गए, दूसरे पे, तीसरे पे चले गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये डेफिनेशन आप लिखो, क्योंकि और कोई प्रॉपर डेफिनेशन इससे है नहीं, मतलब अभी मार्केट में, कि गिग इकोनॉमी एग्जैक्टली क्या है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, पर क्योंकि गवर्नमेंट ये डेफिनेशन बोलती है तो ये डेफिनेशन हमारे लिए सही है। अभी एक महीने पहले ना, जून के लास्ट वीक में, एक नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली। आपको ये रिपोर्ट का नाम लिखना ज़रूरी है कि नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने पूरा डिस्कशन किया कि गिग इकोनॉमी क्या होती है, क्या दिक्कतें आ रही हैं इनको और क्या इनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और वही रिपोर्ट ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि नीति आयोग ने ही रिकमेंडेशंस दी हैं, तो उसी को ही आप लिख दोगे, तो इससे ज़्यादा तो मतलब मैं भी कुछ बना नहीं पाऊंगा, नीति आयोग ने बनाई है, मतलब एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो इसमें प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी हो सकते हैं, नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी हो सकते हैं। देखो एक्चुअल में मैं समझाता हूँ, जैसे काफ़ी लोग ना फ्रीलांस करते हैं, वो भी एक तरह से गिग इकोनॉमी का ही पार्ट आते हैं, समझ रहे हो। तो गिग इकोनॉमी ये मत सोचना कि सिर्फ वही लोग होते हैं जो लो स्किल्ड हैं, नहीं, इसके अंदर लो स्किल्ड भी आते हैं, मीडियम स्किल्ड भी, हाईली स्किल्ड भी आते हैं। जैसे सोचो आपको, मतलब जैसे मान लो ओनली आईएएस की ना हमने वेबसाइट बनानी थी, एग्जाम्पल मानो, तो हो सकता है हमने किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या जो भी बंदा करता है, वेब डेवलपर जो भी कहना चाहो, उसको हायर नहीं किया, उसको परमानेंट जॉब नहीं दी, उसको बोला कि भैया तू वेबसाइट बना के हमें दे दे, तू 50,000 ले लियो, ऐसा समझो। ठीक है कि गिग इकोनॉमी अचानक से इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, 5 साल पहले तो थी नहीं, 10 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो अचानक ऐसे 5 साल में क्या हो गया कि गिग इकोनॉमी आज 77 लाख है, और 7-8 साल बाद या 10 साल बाद ये 2.5 करोड़ के आसपास लोग हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। और ठीक है, चलो ये बात भी ठीक है। ठीक है, देखो मेजरली 2-3 यही पॉइंट्स हैं, मतलब एक्चुअल में जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उसकी वजह से, तो वही आप जो स्टार्टअप्स के अंदर भी थोड़ी पॉइंट डिस्कस किए थे उसको ऐड ऑन कर लेना, बाकी ये 3-4 पॉइंट्स से इसमें थोड़ा डेटा लिख सकते हो, कि जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन जो आप बोल रहे हो ना, या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 2007 में सिर्फ 4% लोगों के पास इंटरनेट था, आज 47% है। हमें ये लगता है कि आजकल चलो सबके पास होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में अभी पेनिट्रेशन नहीं है उतना अच्छा। हम सभी के पास ऑब्वियसली है, मतलब जियो, एयरटेल, सारी चीज़ें 4G वगैरह आराम से यूज़ कर लेते हैं, बट रूरल एरियाज़ में नहीं है अभी भी, तो अभी भी पोटेंशियल बहुत है, बट वहाँ से लेके यहाँ तक का जंप बहुत बड़ा है, 4% से 47%। तो इस वजह से लोगों के पास आसानी से ये चीज़ आ गई। मोबाइल्स पहले बहुत महंगे होते थे, आजकल काफ़ी हर किसी के पास मोबाइल आ चुका है, ठीक है ना। बाकी स्टार्टअप इंडिया, मतलब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स ने भी इस चीज़ में हेल्प करी है, गवर्नमेंट लोगों को प्रमोशन करती है, फंड्स आ चुके हैं, या फंडिंग का जो हमने कल डिस्कस किया था कि यू नो कि कैसे स्टार्टअप्स के पास फंडिंग आ रही है, तो स्टार्टअप स्टार्ट हुए तो उसके साथ ही साथ गिग इकोनॉमी का राइज हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप वही सेम पॉइंट है, और कुछ प्लेटफॉर्म्स का राइज होना,
ये सारे पॉइंट्स हैं, बाकी एक आधा पॉइंट भी आप सोचना चाहो तो डेफिनेटली ऐड ऑन कर लेना, पर ये दो तीन पॉइंट्स और यही मेजर पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स बता दो, बेनिफिट्स क्या हैं गिग इकोनॉमी के, मतलब चैलेंजेस तो चलो थोड़े बहुत आपको आइडिया होंगे, बट बेनिफिट्स क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब यही दो तीन मेजर है। एक तो एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ठीक है, जब मन करता है तब जॉब कर लो, ठीक है। सेम फ्रीलांसिंग में भी सेम चीज़ होती है कि आप अपने अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर सकते हो, या इवन जो वर्कर्स होते हैं वो सारे भी, राइट। ऊपर से वुमेन एम्पावरमेंट का केस भी हो सकता है, क्योंकि आप एक्चुअली में ना सिर्फ हम ओला उबर को एग्जाम्पल सोच लेते हैं, वहाँ पे मुझे पता है कि सारे लोग जो काम करने वाले होते हैं जनरली मेल, पर अगर ओवरऑल हम गिग इकोनॉमी की बात करें ना तो वहाँ पे वुमेन का परसेंटेज काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू अदर ट्रेडिशनल जो हमने डिस्कस किया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के हिसाब से। उसके साथ ही डिस्टेंस माइग्रेशन, देखो जैसे याद करो जब लास्ट हमने स्टार्टअप डिस्कस किया था, हमने कुछ डेटा डिस्कस किया था कि 40-45% के आसपास जो स्टार्टअप्स हैं वो टीयर टू या टीयर थ्री सिटीज़ में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर यही मतलब सिमिलर चीज़ अगर मान लो कि गिग इकोनॉमी अगर हमारा थोड़ा विलेजेस में आए या फिर उनके ऊपर टैकल करे, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन को चेक किया जा सकता है, रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस्ड हो सकती है। एंड आखिरी पॉइंट ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बताओगे कैसे? इंटरनेट पेनिट्रेशन का डेटा यूज़ कर लेना, दो तीन डेटा बस यूज़ कर लिए, मतलब पता लग गया एग्जामिनर को कि आप ऐसा नहीं कर रहे कि कुछ भी रैंडम लिखे जा रहे हो, थोड़ा आपके पास चीज़ें सब्सटेंशिएटेड आप कर रहे हो। इसके चैलेंजेस पे आ जाएं, बताओ फिर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? ठीक है, और हाँ जी, रेगुलेशन क्या ज़्यादा है, कम है या बिल्कुल नहीं है? कम है, कैसे बताओ कैसे कम है? चलो ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल इसके ऊपर उतना नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हो? मतलब जो कोड्स वगैरह या फिर इस तरह के गवर्नमेंट के लॉज हैं वो उतना शायद उतना अच्छे से इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाते जो बाकी होंगे। जैसे हमने जैसे आप प्रोविडेंट फंड आपको मिलता है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, या जो मतलब पब्लिक सेक्टर पब्लिक के अंदर या फिर ना ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, वो यहाँ पे इन लोगों को नहीं मिलते। और ठीक है, नहीं है उसके ऊपर, वो बंदा खुद ही जाएगा, खुद ही सारे जो भी इलाज होंगे उसको करवाएगा, ठीक है ना। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ रिस्क यहाँ पे लोगों को बहुत रहता है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इनकम सिक्योरिटी नहीं है। कि मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है कि जैसे जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया, तो आप बोल दोगे अपने मैनेजर को बोल दोगे कि आज मैं छुट्टी पे हूँ क्योंकि कंसिडरिंग कि मैं बीमार हूँ। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, इन्होंने अगर उस दिन काम नहीं किया उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे इनको, तो इनकम सिक्योरिटी नहीं है। ट्रेनिंग, देखो होता क्या है ना कि हर बंदे को अपने स्किल्स को कंटिन्यूसली इवॉल्व करते रहना चाहिए, बेटर होते रहना चाहिए। अब जैसे मान लो आप बैंक हैं, उनको कितने जॉब्स चाहिए, ठीक है, कुछ लोगों को उनको लेना होगा, पर ढूंढने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब समझो एक बात को, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप गए जोमेटो के पास और बोला कि मुझे जॉब पे ले लो, तो आप उन्होंने ले लिया मान लो, अगले हफ्ते आप बोलो या कुछ टाइम बाद बोलो कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो बोलेंगे कि नहीं तू जा, तेरी जगह पर मैं दूसरा रख लूँगा। बहुत ईजिली रिप्लेस हो जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है, उनका जब मन करेगा तो कहीं ना कहीं उस वजह से वो कम वेजेस पे भी काम कर लेते हैं कि ताकि हमारी एटलीस्ट जितना भी 10,000 कमा रहे हैं एटलीस्ट उतना कमाई होती रहे। तो लो वेजेस के पीछे डिमांड और सप्लाई का मिसमैच एक रीज़न रहता है। उसके साथ ही क्योंकि स्किल्स कम है इनके ऊपर तो बार्गेनिंग पावर लो है, ये भी इसी कुछ ना कुछ लिंक्ड है कि उनकी मतलब ना कि बार्गेनिंग पावर नहीं होती। लास्टली इलिटरेसी है, ठीक है, अभी भी कुछ लोगों को पता नहीं है कि इस तरह की भी कुछ जॉब्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, डिजिटल डिवाइड है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए चैलेंजेस, राइट। तो कुछ सोल्यूशन बता दो, अगर चैलेंजेस ये हैं क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इनको ठीक करने के लिए? ठीक है, ठीक है,
मतलब चैलेंजेस को ठीक करना ही सोल्यूशन है एक तरह का, ठीक है। बट नीति आयोग ने कुछ पॉइंट्स दिए थे, मैं उन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे पहला इन्होंने बोला ना कि फाइनेंस को एक्सेस टू फाइनेंस होना चाहिए, जो कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, उनका फाइनेंस का एक्सेस बहुत ख़राब होता है तो इस चीज़ को होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और था ये वाला, सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर ना जैसा बोला गया है कि इनके पास इनको सारी सहूलियत मिलनी चाहिए सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है वहाँ पे कोड के अंदर कि ये चीज़ गिग वर्कर्स को देनी चाहिए, पर मिल नहीं रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है। उसके साथ ही एक ना देखो, चलो यहाँ पे तो साइज इन्होंने एस्टिमेट किया, पर कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर डेटा होना चाहिए कि कौन सा बंदा किस जगह पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। अगर देखो डेटा ही नहीं होगा कि हम कितने लोगों को क्या बेनिफिट देना चाहते हैं, तो कैसे दे पाएंगे। पहले डेटा हो, पता लगे कि इनको दिक्कतें क्या हैं, कितने लोग हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना। जैसे अभी अभी देखो, जैसे ब्लैक मनी का आपने पढ़ा था इंटरनल सिक्योरिटी में सर के पास, तो पता ही नहीं है कितनी ब्लैक मनी है, ठीक है ना। कोई एक एक रिपोर्ट कह रही है 100% हमारी जीडीपी का है, कोई रिपोर्ट कह रही है 5% जीडीपी का है, एग्जैक्ट कितना नंबर है पता ही नहीं। अगर इसी तरह से थोड़ा बहुत इन्होंने चलो साइज कैलकुलेट किया, पर एग्जैक्ट नंबर आज भी नहीं पता, समझ रहे हो, कि नंबर ही नहीं है हमारे पास कि एग्जैक्टली तो उनको बेनिफिट कैसे दें, वो दिक्कत है। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, ठीक है, ये चीज़। हाँ, जो भी मतलब PLFS वाले डेटा निकालते हैं उसमें ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स थे, हाँ, इन्होंने एक दो पॉइंट्स और बोले कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है ना, उनको हमें लिंक करना चाहिए किसके साथ, इन पर्टिकुलर बिजनेसेस के साथ जो गिग इकोनॉमी में है, कि कोई अपना छोटा मोटा काम कर रहा है उसको इसके साथ लिंक करो, तो एक अच्छा लिंकेज हो सकता है। सोशल इंक्लूजन, जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ और प्रोग्राम्स हैं, ये नीति आयोग ने इकट्ठे से 7-8 सजेशन लिखे थे, तो इनमें से जो भी आपको 3-4 ठीक लगे आप अपने आंसर में लिख लो, पर सोशल सिक्योरिटी कोड वाला ज़रूर लिखना, ये पॉइंट जो है ये वाला, ठीक है। बाकी 2-3 पॉइंट्स आप कहीं ना कहीं इसमें से निकाल के अपने आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ गिग इकोनॉमी। अब देखो गिग इकोनॉमी के ऊपर ना क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, अब हर पॉसिबिलिटी तो मैं कवर नहीं करा सकता कि गिग इकोनॉमी का वुमेन की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, अब ये सोचना पड़ेगा। अब हम हर किसी के लिए कवर नहीं कर सकते कि अच्छा अडल्ट पे क्या इम्पैक्ट है, जैसे GS1 का टॉपिक है ना आपके, कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पूछ चुका है, एल्डरली के ऊपर इम्पैक्ट पूछ चुका है, तो हर चीज़ कवर नहीं हो सकती क्लास में। मतलब हम हर चीज़ का मॉडल आंसर नहीं बना के दे सकते आपको कि अच्छा कि ग्लोबलाइजेशन का यूथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये भी बता दें ये भी बता दें। वो थोड़े पॉइंट्स आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, फिर उसके ऊपर आपको खुद बिल्डअप करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। सोसाइटी वगैरह हो गया तो पढ़ा होगा ना उसमें ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट किसके ऊपर क्या होता है, थोड़ा बहुत सर ने डिस्कस किया होगा। तो उसी तरह से मतलब ना कि गिग इकोनॉमी पढ़ लिया, अब इसका इम्पैक्ट किसी के ऊपर भी पूछे तो कुछ डेटा आप यूज़ कर सकते हो, कुछ फिर आपको पॉइंट्स खुद बनाने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा बाकी आंसर राइटिंग करोगे थोड़ा तो वहाँ पे खुद पॉइंट्स थोड़े और जनरेट कैसे करते हैं वो थोड़ा आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। चले आगे, ये था गिग इकोनॉमी के बारे में, डेटा वेटा आ गया, थोड़े पॉइंट्स वॉइंट्स पता लग गए, तो काफ़ी होना चाहिए इतना कवर करने के लिए, ठीक है। GST डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है GST। GST पढ़ने का कारण क्या है, कब हुए से चल रही है ये, मतलब चर्चा चल रही है बहुत सालों से, 10 साल से भी ज्यादा हो गए इसको बाद डिस्कशन होते हुए। पहले मतलब जैसे अभी लेके तो मतलब मोदी गवर्नमेंट आई है इसको, पर पहले ये मतलब जब मनमोहन जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे भी उन्होंने कोशिश करी थी इस तरह का कुछ लेके आने की, मतलब चर्चा तब से चल रही है इस चीज़ की कि हमारे पास कुछ इस तरह का होना चाहिए, तो तब आया भी नहीं था उस टाइम पे, तब भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर आता है तो क्या हो सकता है। तो देख रहे हो मतलब GST काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, अब हो सकता है जैसे 19 में आया 20 में आया तो अब 22 में आ सकता है या 23 में आ सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो क्या बताया पहले ये बताओ आप लोगों को, क्या बताया GST में, ठीक है। और बस ठीक है, ओके, और बताओ। यार GST रोज पेपर में आता है, मतलब हर चौथे दिन मतलब आता है, रोज का नहीं कह रहा, हफ्ते में एक दिन तो कहीं ना कहीं न्यूज पेपर में पढ़ा ही है GST। GST नाम तो सभी ने सुना हुआ है GST का, तो कुछ तो पता होगा आपको। Products and services comes under 5 लाख। 5? कौन सी 5? 0, 5,
अच्छा जीरो, ठीक है चलो जीरो, ठीक है जीरो को भी मान सकते हो, ठीक है ओके। चलो बताओ कौन सी स्लैब जो ऐसे जीरो और, हाँ मतलब मोस्ट पॉपुलर यही स्लैब्स हैं, इसके अलावा भी कुछ स्लैब्स होती हैं पर वो जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गोल्ड के ऊपर ना 3% GST लगता है, नो नीड टू नो, बट ये 5 स्लैब्स मतलब या कह लो जीरो को अगर हटाने हैं तो 4 स्लैब्स हैं, ठीक है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कुछ ऐसे स्लैब्स होती हैं और कैस्केडिंग इफेक्ट है, रिमूव करता है कैस्केडिंग को, और कुछ सेंटर की पावर बढ़ गई है टैक्सेस के फॉर्म में, ठीक है, और आप बताओ सेंटर की बढ़ चुकी है, ठीक है, और ठीक है ओके, ठीक है ओके ओके। और कोई किसी का पॉइंट कुछ बोलना हो? नहीं, चले आगे, थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसको लेके आए थे इस मुद्दे के साथ कि हम वन नेशन वन टैक्स को लेके आना चाहते थे। एक्चुअली पहले ना एक चीज़ बताता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क पता है सभी को? हाँ बताओ क्या होता है। Directly to the income tax is a direct tax, and the rest like purchasing, जैसे कोई मैगी वैगी परचेज करी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। देखो जैसे ना आप हो मान लो, ठीक है, आपने टैक्स देना है किसी को, तो आप आपके ऊपर उस चीज का बर्डन है और आप ही उसको पे करते हो, तब उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आप इनकम टैक्स है, अब इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लग रहा है, आपको ही देना है वो, किसी और आपके बिहाफ पे कोई और नहीं देगा। उसी तरह से एक होता है GST, जो मतलब एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जैसे आपने पार्ले जी खरीदा, पार्ले जी 5 रुपए का खरीदा, उसके ऊपर कुछ पैसे टैक्स में जाने हैं गवर्नमेंट को, तो वो आप नहीं दे रहे जाके, वो आपके बिहाफ पे जो आपका दुकानदार है वो जाके देगा। मतलब आगे प्रोसेस है, मतलब आप नहीं दे रहे बेसिकली, लग वो आपके ऊपर रहा है पर पे आप नहीं कर रहे, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे वन टैक्स तो जरूर लिखा है पर ये इसको वन इनडायरेक्ट टैक्स कह सकते हो, समझ रहे हो? डायरेक्ट टैक्स का इसके साथ कोई लिंक नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स का कोई इसके साथ लिंक नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स अलग चीज़ है, उसके ऊपर कुछ नहीं उसका दिक्कत। ये जो सिर्फ आप सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो उसके साथ लिंक है GST का। बहुत सारे लोग इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि एक टैक्स होगा, नहीं एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा, डायरेक्ट टैक्स का कोई लेना देना ही नहीं है GST के साथ। तो इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड होता है फॉर होल नेशन। देखो पहले बता क्या होता था एक्चुअल में, कि आप जैसे मान लो महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में टैक्स परसेंटेज अलग थी, गुजरात में अलग थी, पंजाब में अलग, दिल्ली में अलग थी, तमिलनाडु में अलग थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब क्या हो रहा है, अब आप प्रोडक्ट चाहे किसी भी पार्ट में ले रहे हो, इंडिया के किसी भी पार्ट में, तो एक तरह से एक ही टैक्स लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है, एक तरह की सिंगल मार्केट, या वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, सेम चीज़ है वो भी, ठीक है। उसके साथ ही ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। देखो ये वर्ड्स ना एक एक वर्ड का मीनिंग है, यहाँ पे वन नेशन वन टैक्स का मीनिंग था, उसी तरह से बाकियों का भी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सारे, मतलब सारे तो नहीं बोल रहा, मतलब बहुत सारे, मतलब टैक्सेस को इसने अपने अंदर ले लिया, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉम्प्रिहेंसिव। मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज का मतलब क्या है? हाँ ये भी डिस्कस करता हूँ मैं, एक मिनट। चलो ये यहीं डिस्कस कर लेते हैं। देखो होता क्या है कि ना, आप जैसे पार्ले जी खरीदने जाते हो, तो पार्ले जी सीधा थोड़ी ना कि आपका जो दुकानदार है उसने थोड़ी ना बनाया है, वो किसी ने बनाया है, ठीक है, किसी कंपनी ने बनाया है, उस कंपनी ने पहले कहीं से खरीदा होगा सामान, उसको बनाने के लिए आटा चीनी जो भी सब है, फिर उस कंपनी के पास आया, फिर कंपनी ने किसी होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने किसी रिटेलर को बेचा, रिटेलर के बाद आपके पास आया, तो 5-6 स्टेजेस होगी, समझ रहे हो? ऐसे मतलब इस तरह से 5-6 स्टेजेस हो गई। यहाँ पे है रॉ मटेरियल बनाने वाला, यहाँ कंपनी ने बनाया, मैन्युफैक्चरर कह लो, या फिर यहाँ पे होलसेलर हो गया, यहाँ रिटेलर हो गया, और यहाँ फाइनल कस्टमर आप हो, आपके पास यहाँ पे पार्ले जी आया। अब होता क्या है कि पहले इस स्टेज पे भी टैक्स पे किया जाएगा, इस स्टेज पे भी टैक्स पे किया जा रहा है, इस स्टेज पे भी, इस स्टेज पे भी, इसको क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेज। ऐसा नहीं है कि आपके पास आएगा सिर्फ आप मतलब बर्डन आपके ऊपर ही है इन दी एंड, पर हर स्टेज पे टैक्स लग रहा है, इसका मतलब हो गया मल्टी स्टेज। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसका क्या मतलब है? हाँ मतलब जैसे मान लो कि कोई ना पार्ले जी, मान लो जैसे हम पार्ले जी की डिस्कस कर रहे हैं, तो पार्ले जी हो सकता है बना महाराष्ट्र में हो, पर आपने खरीदा दिल्ली में उसको,
तो कहाँ पे टैक्स किसके पास जाएगा, ये मतलब दिल्ली में लगेगा टैक्स, ठीक है ना। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये होता है। उसके साथ ही वैल्यू एडेड टैक्स है, ये समझते हो वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब? सॉरी, वो आप वो कह रहे हो स्पेसिफिक टैक्स और वो अलग चीज है, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। स्पेसिफिक टैक्स और एक और नाम होता है उसका, एडवेलोरम, एडवेलोरम टैक्स होता है और स्पेसिफिक वो अलग चीज है। मैं इसको समझाता हूँ। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब पता क्या है, जैसे इसी का डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ले जी का ही, कि रॉ मटेरियल वाले ने बनाया, कंपनी मैन्युफैक्चरर कह लो या होलसेलर रिटेलर और कस्टमर, तो होगा क्या, मान लो इसने, मान लो पाँच रुपये का पार्ले जी इसने इसको बेचा, इसने दस रुपये का इसको बेचा, इसने पंद्रह का बेचा, इन दी एंड आपके पास पच्चीस रुपये का वो आया, तो होगा क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने रुपये हैं, ये पाँच रुपये हैं, पाँच रुपये के ऊपर टैक्स यहाँ पे लग गया। यहाँ पे कितने का बेचा, यहाँ दस रुपये का, पर क्या दस के ऊपर टैक्स लग जाएगा? नहीं, पाँच रुपये का टैक्स तो यहाँ पे, और पाँच रुपये के अंदर ये पाँच रुपये ये जो हैं इसके ऊपर टैक्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं पीछे वाले स्टेज के ऊपर। तो वैल्यू एडिशन यहाँ पे कितनी हुई, पहले पाँच थी दस, वैल्यू एडिशन गैप कितना है, गैप पाँच रुपये का है, तो पाँच रुपये के ऊपर टैक्स लगेगा। यहाँ देखो ये जैसे पंद्रह रुपये है, इसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। अब इसने पच्चीस का कस्टमर को बेचा, तो वैल्यू एडिशन कितने की हुई यहाँ पे, दस रुपये की, तो इस दस रुपये के ऊपर टैक्स लगेगा, पिछले ऊपर के दे आए हैं ना, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। की आपने वो नहीं पढ़ा जीडीपी के अंदर वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा है ना जी? हाँ, वैल्यू एडेड, उसमें यही नहीं करते कि अगर पहले ब्रेड बनी हुई है तो अगर बाकी चीज़ों में सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर वो करते हैं जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम, उसी तरह से यहाँ पर भी वैल्यू एडेड टैक्स होता है गुड्स पे भी सर्विसेज पे भी। ये ध्यान में रखना है, गुड्स भी होती हैं इसमें, सर्विसेज भी होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। कास्केडिंग इफेक्ट को हटाया जाता है, ये पता है सभी को कास्केडिंग इफेक्ट? पहले बताओ बाकी के पांचों पॉइंट क्लियर हुए? देखो एक एक भी, पर प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के अंदर कितने टाइप्स के होते हैं? 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो नहीं कह रहा जो मतलब होते हैं, वो जो होते हैं ना कि स्टेट का नाम चेंज करना है, स्टेट का एरिया चेंज करना है, जो आर्टिकल 3 के अंदर आता है। हाँ हाँ, तो ये 368 के अंदर जब उसको जो वो जो होता है ना आर्टिकल 3 के अंदर चेंजेस लेके आते हैं और कुछ है, वो 368 के अंदर नहीं आते, वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होते हैं। तो 368 के अंदर दो तरह से आते हैं, स्पेशल मेजोरिटी एक, तो मतलब टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अबव हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ अ हाउस। यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है, इसके अंदर एक ऑप्शन में तो क्या आता है, कम से कम 50% स्टेट्स को अपना कंसेंट देना पड़ता है बाय स्टेट्स। कैसे पास करती हैं उसको? स्टेट सिंपल मेजोरिटी से पास करती हैं, पार्लियामेंट उसको पास करेगा टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और ये जब फेडरलिज्म वाले मुद्दे आ जाते हैं ना, तब उस केसेस में एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स मस्ट रेटिफाई विद द सिंपल मेजोरिटी। तब मुझे बताओ कि जीएसटी क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है? ठीक है, मतलब जीएसटी भी, मतलब जीएसटी को लाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन सा अमेंडमेंट, कैसे अमेंडमेंट किया उसका? वन हंड्रेड वन अमेंडमेंट है, ठीक है ना। हाँ, और इसका वो वाला मेथड हमने अडॉप्ट किया है, स्टेट्स का हमें उनकी रेटिफिकेशन लेनी पड़ी है। क्यों लेनी पड़ी है? क्योंकि पहले स्टेट्स के पास पावर थी टैक्सेस लगाने की, वो स्टेट्स के पावर छीन रहे हो, तो स्टेट्स की चेन जरूरी थी। तो इस वजह से ये तरीका अपनाया गया है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जीएसटी के लिए, ठीक है। पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। मेंस में ना आई थिंक 2019 में क्वेश्चन आया था कि 368 के अंदर किस तरह की होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, या 19 का या 20 का है, GS2 का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन आया था। कास्केडिंग वाला आएंगे, ठीक है, डोंट वरी, वो है स्लाइड आगे कहीं है, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल 2016 में आया, 101 अमेंडमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स जो आपने डिस्कस करी 0, 5, 18, 12, 18 और 28,
उसी तरह से सेंट्रल जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? हाँ, ये 2019 का क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा था कि व्हाट आर द टैक्सेस दैट हैव बीन सब्सूम्ड अंडर जीएसटी। अभी स्टार्टिंग में तीन क्वेश्चन देखे थे ना, उसमें जो बीच वाला क्वेश्चन था 2019 वाला, वो यही क्वेश्चन था, व्हाट आर द टैक्सेस दैट हैव बीन सब्सूम्ड अंडर जीएसटी। तो आपको ये लिस्ट लिखनी थी कि सेंट्रल लेवल पे कौन से टैक्सेस हैं, स्टेट लेवल पे ये सारे टैक्सेस हैं, उसका आंसर ये था। एक बार पढ़ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वैसे उतना रेलेवेंट अब रहा नहीं, मतलब ये टैक्सेस के डेफिनेशन, क्योंकि अब ये हटा दिए गए हैं, जीटी के अंदर आ गए हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब इनका पढ़ने का बनता नहीं है, पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये होना था। और देखो कैसे, मतलब हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे भी डाला है, रेदर देन कि हमारे दिमाग में जो आया, अच्छा काउंटर वेलिंग डालना है, काउंटर वेलिंग डाल दिया, परचेज टैक्स डालना है, परचेज डाल दिया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आया कि सेंट्रल लेवल पे कौन से टैक्सेस को सब्स्यूम किया, स्टेट लेवल पे कौन से टैक्सेस को सब्स्यूम किया, तो थोड़ा सा ना डिफरेंशिएशन आया। ठीक है, क्लियर, चले आगे। उसके साथ ही देखो जीएसटी जो होता है वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है, पर कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि अल्कोहल, दिल्ली में अक्सर मुद्दा चलता है, ठीक है ना, कि मतलब पहले सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर, इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। अब ये थोड़ा समझा देता हूँ कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से समझना इसको। जैसे मान लो, जैसे अभी स्टेजेस पढ़ी हमने, बहुत सारी स्टेजेस पढ़ी, बहुत सारी जो पीछे अब लास्ट स्लाइड पे डिस्कस करा। देखो होता पता क्या है कि जैसे मान लो कि कोई चीज है 2000 रुपए की, रॉ मटेरियल वाले ने के पास 2000 रुपए की कोई चीज पे आए, यहाँ पे कितने का आ गया, ये 3300 का, ठीक है ना, 3300 का, क्योंकि पिछली स्टेज में था। अब मान लो 700 रुपए का इसने वैल्यूएशन किया, जो भी है, रिटेलर है, होलसेलर है, व्हाटएवर, अब बताओ टैक्स कितने का लगा, 4000 का प्रोडक्ट हुआ, उसके ऊपर 400 का टैक्स लग गया, तो टैक्स हो गया 400 का, तो टोटल वैल्यू क्या होगी, 4400। फिर मान लो स्टेज फोर पे आए, स्टेज फोर में पहले प्रोडक्ट कितने का इसके पास, 4400 का, वहाँ से 4400 का प्रोडक्ट आया, मान लो अब कितना लगा टैक्स, टैक्स नहीं सॉरी वैल्यूएशन मान लो 600 की हुई, तो टैक्स कितने का लगेगा अब, 500 का। फाइनल प्रोडक्ट कितने का आएगा, 5500 का। क्लियर हुई ये बात? ये था प्री जीएसटी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट जीएसटी की, ठीक है, पोस्ट जीएसटी की बात करते हैं। अब पोस्ट जीएसटी में मैंने आपको एक चीज़ बताई, टैक्स किसके ऊपर लगेगा, वैल्यू एडेड के ऊपर, वो वर्ड पढ़ा था ना वैल्यू एडेड, वो वर्ड इंपॉर्टेंट है। करते हैं स्टार्ट, 2000 का प्रोडक्ट, अब सारी चीज़ें जो ब्लू में लिख रहा हूँ ये पोस्ट जीएसटी है, 2000 का प्रोडक्ट, 200 का टैक्स, यहाँ तक सेम है, 2200 हुआ, ठीक है, ये भी 2200 ही, 800 की वैल्यू डी, प्लस ही तो करना है तीनों को, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 3850, एडिशन कितने का हुआ 600 का, यहाँ टैक्स कितने का लगेगा 60 का, क्या हुआ 4450, ठीक है 4510, फ़र्क देख रहे हो, पहले हम पे कर रहे थे 5500, अब पे कर रहे हैं 4510, ये क्यों हो रहा है, पहले हो रहा था कास्केडिंग इफेक्ट, अब क्या किया, कास्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स। समझ आया कास्केडिंग का मतलब? अब बताओ कि इस पेज में जितने भी कीवर्ड्स हैं सभी का मीनिंग क्लियर है, चाहे कास्केडिंग इफेक्ट हो, चाहे वैल्यू एडेड हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, ये वर्ड्स मतलब हम कई बार ना ऐसे स्किप कर जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव है तो लगता है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश का वर्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ठीक है ना, वन इनडायरेक्ट टैक्स होगा, वन टैक्स पढ़ लेते हैं, ये चीज़ें पढ़नी बात है कि अच्छा इनडायरेक्ट है सिर्फ, और इनडायरेक्ट के अंदर भी सारे इनडायरेक्ट नहीं है, ज़्यादातर है मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, हर वर्ड का अपने आप में ना जीएसटी इन वर्ड्स के अंदर समराइज है, ये 6-7 वर्ड्स अगर आपके आंसर में है मतलब आप जीएसटी के बारे में अच्छे से जानते हो। क्लियर हुआ अभी तक? पड़ रहा है मान लो 450, पर आपने ऑलरेडी 100 रुपये यहाँ चीनी के ऊपर, आटे के ऊपर टैक्स पे करा, 120 चीनी के ऊपर करा था और 80 रुपये दूध के ऊपर कर चुके हो, तो 300 रुपये का टैक्स तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो बचा कितना पे करना है, दैट इज 150 रुपीज़, तो इसको बोलते हैं क्या,
इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब वो जो इनपुट क्रेडिट, मतलब ये 300 रुपये का आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। ये इश्यूज आते रहते हैं न्यूज़पेपर में बार बार, आईटीसी वर्ड, तो ये बात पता होनी चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आखिर है क्या। ठीक है, अब ये तो देखो मेजरली था जो 2019 वाला क्वेश्चन, इतने डेटा से आप 2019 वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, 2020 के भी कुछ पॉइंट्स लिख लोगे पूरा नहीं कर पाओगे, 2013 वाला क्वेश्चन था वो भी कुछ हद तक लिख लोगे। पर अब डिस्कस करना है क्या जीएसटी काउंसिल, यहां तक कोई दिक्कत किसी को कोई भी पॉइंट में आ रहा है जीएसटी, समझ आ रहा है? बता दो कोई इशू हो अभी पूछ लो, नहीं तो आगे वाला पॉइंट समझ नहीं आएंगे अगर अभी तक समझ नहीं आया तो। हाँ ठीक है, सब क्लियर है? ठीक है, देखो फिर जैसे ना अभी हमने क्या पढ़ा, एक तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्लैब्स डिस्कस करी कि 0%, 5%, 12%, 18%, ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये डिसाइड किसी को करना पड़ेगा, तो वो मेजरली काम किसका है? जीएसटी काउंसिल का। कुछ और इश्यूज आ सकते हैं आपस में, सेंटर बोले मतलब स्टेट को ही बोले कि नहीं यार आपने ज़्यादा टैक्स ले लिया हमें कम मिल रहा है, कोई डिस्कशन भी तो करना है कहीं पे, वो कहाँ करेंगे? जीएसटी काउंसिल में। कुछ और नहीं, इस तरह के मुद्दे अगर डिस्कस करने हो कहाँ डिस्कस होंगे? जीएसटी काउंसिल में। पेपर टू पढ़ लिया है, जीएसटी हो गया कंप्लीट, पॉलिटी वगैरह, फेडरलिज्म पढ़ा है, फेडरलिज्म की एग्जांपल्स पढ़ी हैं, कोई एग्जांपल होगी आपकी फेडरलिज्म की, कोई बताओ मुझे, कोई फेडरलिज्म का कोई इशू होगा कोई? गवर्नर एंड टीएमटी, चलो ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। हां डिस्प्यूट्स ओवर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस लाइक जीएसटी टैक्स, ठीक है बिल्कुल। हां इंडस्ट्री एंड काउंसिल, हाँ मतलब वो सॉल्व करने का तरीका है, फेडरलिज्म के इश्यूज को सॉल्व करने का तरीका है इंटरस्टेट काउंसिल। हाँ बिल्कुल, सीबीआई और स्टेट इंटर, देखो ये पहले मुझे एक बात बताओ, ये सीबीआई और स्टेट इंटरवेंशन वाला क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, पढ़ा था जनरल कंसेंट वाला क्वेश्चन था 2021 में, क्वेश्चन आया हुआ है तो वो फेडरलिज्म का मुद्दा है। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है किसके ऊपर? एनडीएमए के ऊपर आया था, जीएसटी काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन आया था 2020 के क्वेश्चन, उसके साथ ही साथ आपका जो कोविड के टाइम पे ये डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ों के ऊपर ये भी मुद्दा था। ये सारे फेडरलिज्म के इश्यूज हैं कि जब भी सेंट्रल और स्टेट में कोई इश्यूज आते हैं वो फेडरलिज्म का मुद्दा बन जाता है, आजकल भी चल रहे हैं, ठीक है ना? आप वेस्ट बंगाल के साथ काफ़ी स्कफल चलती रहती है, अपना दिल्ली के साथ भी कुछ इश्यूज चलते रहते हैं सेंटर के, महाराष्ट्र के साथ कुछ इश्यूज हैं, ये सारे फेडरलिज्म के तो मुद्दे हैं, ठीक है ना? उसी तरह से जीएसटी काउंसिल भी एक तरह का फेडरलिज्म को सॉल्व करने का एक तरीका है कि जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आ जाएं, तो यहाँ पे जब आप जीएसटी काउंसिल के बारे में लिखोगे ना तो फेडरलिज्म वर्ड कहीं ना कहीं आना चाहिए आपके आंसर में, यहाँ पता नहीं लिखा या नहीं लिखा पर वर्ड आना चाहिए आपका, कहीं लिखा होगा कहीं पे, ठीक है ना? तो इसको आप GS2 के साथ भी रिलेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है? तो ये भी उसी अमेंडमेंट एक्ट जो हमने पास किया, 101st एक्ट था, 122वां बिल था, उसके अंदर ही इसको जीएसटी काउंसिल को बनाया गया। ये आर्टिकल है आर्टिकल 279A(1), इसके अंदर मतलब जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ठीक है जी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि स्टेट्स को भी रेटिफाई करना था, तो 15 स्टेट्स ने उस टाइम पे इसको रेटिफाई किया था, तब जाके इसको पास हुआ था, ठीक है। कुछ मेंबरशिप के बारे में, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो होते हैं निर्मला सीतारमन जी चेयरपर्सन है, ठीक है, ये कुछ बेसिक फैक्ट है, ठीक है। और ये काम है, ये पूछे जा सकते हैं, देखो बहुत बार न्यूज़ में आ चुकी है जीएसटी काउंसिल, इस साल तो बार बार न्यूज़ में आती रहती है। अभी थोड़े दिन पहले ही लस्सी के ऊपर टैक्स लगा दिया था, ठीक है ना, उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि लस्सी के ऊपर जीएसटी क्यों लगा रहे हो। उसके अलावा भी कुछ और इश्यूज होते हैं कि इश्यूज़ नहीं मतलब टैक्स जीएसटी के थ्रू काफ़ी पिछले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छा खासा टैक्स गवर्नमेंट को आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1.5 लाख करोड़ भी आया है, उससे ज़्यादा भी आया है, तो वो भी न्यूज़ में आ गया था बार बार। तो कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल इंपॉर्टेंट है, जीएसटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात तो रेट स्लैब क्या होने चाहिए, जो मैंने बोला नहीं है बाइंडिंग, ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, रिकमेंडेशंस देती है ये, क्लियर हुआ? यहाँ ये आ गया फेडरल वर्ड, ये फेडरल वर्ड में ढूंढ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे दोनों को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब क्या मतलब है, ये एक्चुअली ना जब अगर GS2 का आंसर लिख रहे हो और आपको एक अच्छी फेडरल बॉडी का एग्जाम्पल देना है तो जीएसटी काउंसिल से बढ़िया बॉडी नहीं है इन फेडरलिज्म को इंश्योर करने के लिए, पता है क्यों? यहाँ पे देखो 66% जो शेयर है वो स्टेट्स को दे रखा है और 33% जो शेयर है वो सेंटर के पास है, और अगर कोई डिसीजन लेना है
तो उसके लिए 75% हमारे उस चीज़ के फेवर में वोटिंग होनी चाहिए। कहने का पता क्या मतलब, कि अगर आपको कोई चीज़ करवानी है तो सेंटर का भी वहाँ पे रोल है, स्टेट्स का भी रोल है। एक सिर्फ एक एक काम करेगा तो उससे नहीं हो पाएगा, यानी कि सेंटर और स्टेट्स आपस में मिलके काम करते हैं। तो वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फेडरल बॉडी, ठीक है ना। मतलब कई जगह ऐसा देखते हैं ना कि हम सेंटर ओवर पावर कर जाता है स्टेट्स को ऊपर, वो ऐसा इस केस में नहीं है। और कोई डाउट हो अभी तक? नहीं, थोड़े शांत हो गया हो, क्या हो गया बताओ। मतलब कुछ टफ लग रहा है, कोई पॉइंट मिसिंग हो तो मुझे बता दो, मैं बता दूंगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा जहां पे कोई दिक्कत आ रही है। क्योंकि ये देखो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुके हैं दो बार, लगभग दो बार तो आया ही है, मेंस में तीन बार क्वेश्चन आ गया जीएसटी के ऊपर। तो थोड़ा डिटेल में जाना जरूरी है, 5 साल हो गए हैं जीएसटी को, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल की हर थोड़े दिनों बाद मीटिंग होती है, आपकी न्यूज़पेपर में बार बार आती रहती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा डिटेल में जानना। क्लियर यहाँ तक? चले आगे। ये ना कुछ डेटा है इसके रिगार्डिंग, हाँ जीएसटी कलेक्ट हो रहा है। तो देखो जून के महीने तक डेटा है, इसके बाद का ऐड कर लेना, मतलब 1.45 लाख करोड़ है। यहाँ देखो डेटा अच्छा खासा है, आज तक का हाईएस्ट यहाँ पे आया था 1.68 लाख करोड़ का, आई थिंक, मुझे पता नहीं इस महीने का भी शायद आ गया होगा, आई मीन जुलाई का तो नहीं आया होगा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं 1.4 लाख करोड़ के आसपास चल रहा है आजकल जो होता है। अब पिछले सालों में देखो, जब हम पिछले सालों में हम ना 1 लाख करोड़ था या फिर 0.9 लाख, 0.8 लाख, इस तरह से चलता था, तो इस साल काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा जीएसटी कलेक्शन, वन ऑफ द हाईएस्ट था अप्रैल 2022 में, राइट। ये येलो लाइन यही है 2020-21 का अप्रैल मंथ, तब उस टाइम कोई पार्ले जी क्यों खरीदेगा, जब पार्ले जी नहीं खरीदेगा तो टैक्स नहीं आएगा, ठीक है ना। तो साफ दिख रहा है, वो देखो अप्रैल में कितना कम था, ठीक है। और यही मुद्दा बना बाद में जो कंपनसेशन सेस का था, कैसे वो डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट भी वैसे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रीलिम्स के लिए समझ लो अगर समझना है। एक्चुअल में होता क्या है ना, कि जैसे जैसे जो जैसे ये आपका दुकानदार है, ठीक है, और एक चीज इसके अंदर और है, जीएसटी नेटवर्क। अब इतने सारे देखो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, किसी को टैक्स जा रहा है, टैक्स आ रहा है, उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी भी ज़रूरत होती है, तो उसी टेक्नोलॉजी को काम में लेके आने के लिए ये जीएसटी नेटवर्क काम करता है, जीएसटीएन बोलते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी का जो आईटी सपोर्ट पूरी प्रोवाइड करनी है ना, टैक्स पेयर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बाकी स्टेक होल्डर्स को, वो जीएसटी नेटवर्क के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। एक तरह की कंपनी बनाई हुई है, उस कंपनी में ये सारा काम किया जाता है, कि किस तरह से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे का ये बैकएंड प्रोसेस जो है कैसे काम करेगा, दैट इज जीएसटी नेटवर्क। क्लियर? आगे चलते हैं, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का मुद्दा डिस्कस करते हैं। बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं। मतलब ये जो मैं अभी इसीलिए बोला ना कि जीएसटी नेटवर्क कहीं पॉइंट यूज कर सकते हो। हाँ, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा डिस्कशन ये चल रहा है, स्टेट्स बोल रहे हैं कि आगे के लिए एक्सटेंड कर दो, अभी वो फाइनल डिस्कशन को लॉस कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट्स अपनी पावर को, स्टेट्स ने अपने टैक्सेशन पावर्स को एक तरह से सेंटर को दे दिया, तो उन स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए, मतलब स्टेट्स को ना फिर डर, स्टेट्स को ना एक डर आ गया। डर क्या आ गया, कि अब हमारे पास तो पावर रही नहीं टैक्स लगाने की, टैक्स लगाने की हमारे पास तो पावर रही नहीं, टैक्स पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल गई। तो इनको क्या लगा, कि मान लो इस महीने हम 100 रुपया कमाते थे टैक्स से, अगले महीने हो सकता है हम 50 रुपये कमाने लग जाएं, हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन स्टेट गवर्नमेंट्स ने ना अपनी रिक्वेस्ट करी, मतलब एक तरह इनको बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भैया हमें कुछ बचाओ, हमें ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे साथ अगर इस तरह से जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। तो इसलिए जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस बनाया, ताकि इनके जो इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉल्व किया जा पाए। और इन्होंने पता क्या डिसाइड किया, कि 2016-17 को हम मानते हुए उसके हिसाब से देखेंगे कि हर साल आपकी
14% ग्रोथ रेट हो, जैसे मान लो इस साल आप कमा रहे हो 100 रुपये, ठीक है, अगले साल हम अज्यूम कि अब तक क्या करेंगे कि आप 114 रुपये कमाओ। ये था मतलब इन्होंने ऐसा सोचा कि नॉर्मली आप इतना करोगे, पर अगले साल एक्चुअली कितना हुआ, हो सकता है अगले साल एक्चुअली 80 रुपये कमा पाई सिर्फ स्टेट, ठीक है ना, तो बीच में गैप आ गया ना, ये गैप कितना है 34 रुपीज का गैप आया। अब सेंटर ने क्या बोला कि कोई बात नहीं हम ये 34 रुपीज तुम्हें दे देंगे, ये बोला, कंपनसेट करना किसी को कम, जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, मिलनी कितनी थी 114, मिली कितनी 80, उसके लिए कंपनसेट कर रहे हैं, तो दैट इज कंपनसेशन। पर पैसा आएगा कहाँ से, ये पैसा होना भी तो चाहिए कहीं पे, तभी दे पाओगे, ऐसे कैसे दिए जा रहे हो। तो उसके लिए एक अलग से एक फंड बनाया गया, कंपनसेशन सेस फंड जो होता है, तो उसके अंदर पैसा कहाँ से आएगा, उसके अंदर पैसा कुछ चीज़ों पे लगाया जाता है, जैसे कि सिन गुड्स बोलते हैं उनको, सिन गुड्स, टबैको, इनको इनका नाम है सिन गुड्स बोलते हैं सभी को, टबैको होता है, ठीक है ना, पान मसाला होता है, आपकी जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर कुछ अलग से टैक्स लगाया जाता है, वो टैक्स का पैसा इस कंपनसेशन सेस फंड में जाता है, इस कंपनसेशन सेस फंड से फिर पैसा दिया जाता है, ये 34 रुपये आए थे, ये है पॉइंट कंपनसेशन सेस का मतलब। पहले तो मीनिंग क्लियर हुआ ना, अब मुद्दा क्या था वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। स्टेट्स का कंसर्न था कि उनका रेवेन्यू लॉस हो सकता है, वो 114 रुपये मिलने चाहिए थे, मिले कितने 80, तो वो रेवेन्यू लॉस है, तो इस वजह से इन्होंने क्या सोचा कि 5 साल तक ऐसा करेंगे, पहले 5 साल यानी कि 2017 से लेके 2022 तक ऐसा करने का सोचा गया, ठीक है, ताकि स्टेट्स इंप्लीमेंट करें जीएसटी को अपने बिहाफ पे। तो ये एक्ट बनाया गया, ठीक है ना, जैसे जैसे आजकल मुद्दा देखो क्या चल रहा था, एमएसपी का सुना था ना, एमएसपी के पीछे कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है उसके पीछे, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कल को ना भी दे एमएसपी, तो आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, किसान उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकता कि यह कैसे हो गया, पर यहाँ पे तो एक्ट बना दिया, यानी कि कहीं ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ये फर्क है उसमें, जो एमएसपी के केस में, एमएसपी के केस में नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कौन सा बोला हुआ है कहीं पे, एक्ट में थोड़ा लिखा हुआ है, कहीं पार्लियामेंट से पास थोड़ी करवाया है, पर ये तो पार्लियामेंट से पास करवाया है, तो ये चीज़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 5 साल के लिए था 2017 से लेकर 22 तक, और हर साल 14% का राइज था, और बेस ईयर ये था, आई थिंक मैंने 16-17 बोल दिया, ये 2015-16 बेस ईयर था इसका, कि उसको 100 मान लिया जाएगा 2015-16 को, फिर उसके ऊपर 14% का हर साल राइज देखेंगे। क्लियर हुआ, हो रहा है, जैसे सोचो आज 100 रुपीज बेस ईयर था इनका, एक साल बाद एक्सपेक्टेड कितना था 114, 2 साल बाद कितना एक्सपेक्टेड होगा 114 × 1.14, उसको 14% इंक्रीज, ठीक है, कितना आएगा, आई थिंक 130 के आसपास आएगा वैल्यू, ठीक है, 114 × 1.14 130 के आसपास वैल्यू आएगी, उसके अगले साल 130 का 14%, ठीक है, दैट विल बी अराउंड 148, ठीक है, फिर अगले साल कुछ अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू बन जाएगी, मान लो 165 के आसपास या 170 के आसपास, 170 रख लेते हैं, यानी कि इनको 2017 में इतना देना था, मान लो 18 में इतना, 19 में इतना, 20 में इतना, 21 में इतना, इतना स्टेट्स को मिलना चाहिए था, ठीक है। मान लो पहले साल क्या होता है, एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो ये तो चल 100 ही है, मान लो यहाँ पे इनको मिल गया 110 मिल गया, तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा 4 रुपये तो देने हैं, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मान लो इनका 120 था, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा अच्छा 10 रुपये तो हैं, दे देते हैं, कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे आ जाता है कोविड इस टाइम पे, अब इनको मिलने कितने थे 148 कह लो या 170 कह लो, 150 कह लो, 150 मिलने थे, पर आपने तो खर्ची नहीं किया, आपने तो पार्ले जी नहीं खरीदा, गवर्नमेंट को यहाँ पे 110 रुपये पे करने थे। अब मैंने वही बताया ना, यहाँ पे पैसा कहाँ से आ रहा था, महंगी गाड़ियों से, वहाँ से आ रहा था, अब ये 110 गवर्नमेंट का है ही नहीं, समझ रहे, दिक्कत यहाँ पे होगी कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था, और जहाँ से पैसा आना था वो उनके पास था नहीं, ये मुद्दा पड़ा। अब सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें दो, क्योंकि तुमने एक्ट में लिख के दे दिया तो देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही हमारे पास है ही नहीं पैसे, हम कैसे दे दें, ये मुद्दा मतलब बना। फिर इसके बाद देखो बहुत सारे फिर होते रहे इनके बीच में आपस में, ठीक है ना, कि कोर्ट में लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ ऑप्शंस दिए थे, अब इंपॉर्टेंट नहीं रहे वो ऑप्शंस, मुद्दा 2020 का था, ये खत्म हो गया, पर कंपनसेशन वाला इशू अभी भी चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि अभी और दे दो, 5 साल खत्म हुए हैं,
2-3 साल और बढ़ा दो, ये सारी चीजें अभी भी चल रही हैं, बट अभी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये, ठीक है ना। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी कि ये इशू क्यों आया था इतना बड़ा। ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया कोविड के टाइम पे, जीएसटी कम आया, स्टेट्स को पेमेंट नहीं हो पाई और सेंटर और स्टेट्स के बीच में फ्रिक्शन आ गई, फेडरलिज्म का मुद्दा आ गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल ये देखो ना, मैंने बताया था यहाँ पे कलेक्शन ही कम हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे तक डिस्कशन हो चुका है, जीएसटी पूरा हमने समझ लिया अच्छे से क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आप मुझे बताओ 5 सालों के बाद आपको कैसा लग रहा है, जीएसटी अच्छी चीज थी बुरी चीज थी? 2-4 मिनट लो और पॉइंट सोचो, क्या क्या पॉजिटिव्स रहे 5 साल में जीएसटी के, क्या नेगेटिव रहे। अब देखो समझ आ चुका है आपको कि जीएसटी काम कैसे करता है, टेक्नोलॉजी भी पीछे की समझा दी, सारा समझा दिया। अब 3-4 पॉइंट्स कम से कम पॉजिटिव्स के, कम से कम 3-4 पॉइंट्स नेगेटिव्स के एक बार सोचो। कोई नहीं महेश जी, अरे मुझे भी थोड़ी सी मिले थोड़ा सी मिलेगा। हाँ चलो बताओ फिर। ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल। देखो ट्रांसपेरेंसी होगा, क्यों है ट्रांसपेरेंसी एक्चुअल में? आपने वो सुना है टैक्स पेयर चार्टर या ऐसे कुछ था पिछले साल? देखो होप पता क्या रहा है आजकल ना, देखो पहले करप्शन होती थी। करप्शन पता क्यों होती है कि जब आप जानते हो कि सामने वाला बंदा कौन है। मान लो कि आपने, आपको ना सामने कोई बंदा बैठा है जो टैक्स आपका देख रहा है कि इस बंदे ने सही टैक्स भरा या नहीं भरा, तो आपको वो जानता है कि, तो वो आपको क्या बोलेगा कि अच्छा आपका 50 करोड़ का ना टैक्स नहीं आया, आप ऐसा करो मुझे 10 करोड़ दे दो, ठीक है ना, तो मैं आपका 50 करोड़ का टैक्स माफ़ कर दूंगा। पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जीएसटी के अंदर ना ये इंटरफेस हटा दिया गया है, आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला बंदा कौन है। एक ना टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस है वहाँ पे, आप सामने वाले बंदे की आइडेंटिटी नहीं जान सकते, आपको बस उसका डेटा पता है, आपको उसका नंबर नहीं पता, आपको उसका नाम नहीं पता, ये सारी चीज़ें थोड़ा ना छुपा दी गई हैं आजकल। तो उस वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेस कम हुआ है एंड करप्शन कम हो गई है। ये जीएसटी के केस में भी है एंड इवन जो बाकी हमारे डायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर भी ये चीज़ करी जा रही है। कहीं ना कहीं जैसे आपने भी पढ़ा होगा ना, चाहे GS4 में पढ़ा होगा या GS2 में, कहीं ना कहीं
कि करप्शन तब होती है जब आप सामने वाले बंदे के साथ अच्छे से मतलब ह्यूमन इंटरफेस अगर उसी को कम कर दिया तो एक तरह से वहाँ पे टेक्नोलॉजी ने उसका रोल प्ले कर दिया, तो वो इंटर से ट्रांसपेरेंसी भी आ चुकी है दादा। और बताओ कह सकते हो बिल्कुल ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है ये भी, ई गवर्नेंस का सब कुछ ही एग्जाम्पल है वैसे आजकल जो भी चल रहा है। हाँ जी टैक्स इवेजन कम हो गई है, ठीक है कह सकते हो टैक्स इवेजन कम हुई है। यार सिंपल तो नहीं है मतलब, ठीक है चलो हाँ ये नेगेटिव है, ये सिंपल नहीं है कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल 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 ये वाला पॉइंट समझा नहीं मैं आपका, थर्ड पॉइंट जो कह रहे हो टसल वाला इशू है बिल्कुल। हाँ ठीक है चलो ठीक है ये भी ले लो पॉइंट। ओके ठीक है पॉइंट ठीक है, डिजिटल इलिटरेसी कह लो ठीक है ना, फाइनेंशियल इलिटरेसी कह लो। हाँ ठीक है पॉइंट्स, एक ना पॉइंट ये बाकी सारे पॉइंट्स आई थिंक स्लाइड्स में होंगे, ये यूनिफॉर्मिटी वाला पॉइंट स्लाइड्स में है नहीं, ये ऐड कर लो अपने मतलब ना, बाकी आई थिंक मोस्टली स्लाइड्स में मैंने पॉइंट मेंशन करे हैं। ये पॉइंट अच्छा है मतलब मेरे दिमाग में था बट मैंने लिखा नहीं है आई थिंक स्लाइड्स के अंदर। एक्चुअली जी एस वन तो सबको लगा कि अच्छा हम एक ही रूलर है हमारा एक तरह से, उसके अगेंस्ट ही सेम कॉमन एनिमी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। उसी तरह से जब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सेम होता है ना पूरी कंट्री के अंदर तो एक यूनिफॉर्मिटी आती है, और वो आपको जीएसटी ये इस तरह के और भी चीज़ें जो हम वन नेशन वन समथिंग करते हैं वो सारे एक तरह की यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं। पॉइंट समझ आया ठीक है, तो ये सारे थे पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ मैं और दिखा देता हूँ और क्या पॉइंट्स हैं। चलो तो टैक्स कंप्लायंस बढ़ गया, आप में से किसी ने टैक्स बेस बोला तो बिल्कुल टैक्स बेस वाइडन हो चुका है, टैक्स पे करना था 450 याद है ना एग्जांपल, और इन्होंने क्या करा हुआ था इन्होंने 300 रुपया ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा था। अब हुआ क्या है ऑल द वैल्यू एडिड है पर इसको ना टेक्निकली 450 टैक्स पे करना पड़ रहा है, पर अगर इन्होंने 300 रुपया टैक्स पे किया होगा तब इसको सिर्फ 150 टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। तो इससे होता पता क्या है, ये इनको बोलता है कि भैया आपने टैक्स पे किया या नहीं किया पिछली स्टेज वालों ने, इसके अगले वाली कोई स्टेज होगी वो इससे पूछेगा कि तुमने टैक्स पे किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो इसको पे करना पड़ेगा पूरा टैक्स। तो एक दूसरे की डिपेंडेंसी आ गई है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से पढ़ लिया होगा कॉपरेटिव फेडरलिज्म होता है, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म होता है, एक और भी होता है मतलब टेक्निकली नहीं होता मतलब उसको बोल देते हैं जब एक दूसरे में कंफ्लिक्टिंग फेडरलिज्म कह लो, ऐसे वर्ड्स मतलब यूज कर लिए जाते हैं न्यूज़पेपर में अक्सर, पर मेजर दो होते हैं कॉम्पिटेटिव और कॉपरेटिव, मतलब पॉजिटिव फॉर्म में यूज करना हो तो ये है, नेगेटिव में यूज कर सकते हो कॉन्फ्लिक्टिंग कह सकते हो, और ये ना एक्चुअली कोई वर्ड नहीं है, ये लोगों ने बस बना दिए हैं, एक्सपर्ट्स ने बना दिए हैं कुछ ने, कॉन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म हो गया ठीक है। उसी तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है, आप एक चीज रियलाइज करो 2016 में हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की क्या रैंकिंग थी, कुछ 100 के आसपास थी या 100 से ऊपर थी, अभी 2020 में आई थिंक आखिरी डेटा आया था उसके बाद से रिपोर्ट आ नहीं रही है, ईओडीबी बंद हो चुकी है उसमें, हाँ कुछ इश्यूज हैं मतलब स्टैटिस्टिकल इश्यूज हैं उसमें कुछ, तो अब रिपोर्ट नहीं आ रही, पर जब लास्ट टाइम आई थी इंडिया का रैंक आई थिंक 63 था और आई थिंक 129 से इंडिया 63 पे आया था, तो वन ऑफ द वेरी गुड अचीवमेंट्स बाय इंडिया, वन ऑफ द रीजन हैज सेट टू बी की जीएसटी की वजह से है कि थोड़ी चीज़ें थोड़ा सिंप्लीफाई हुई हैं यहाँ पे। वरना देखो जब बाहर से कोई लोग आते थे ना फॉरेन वाले तो उनको समझ नहीं आता था कि ये क्या चल रहा है कि सर महाराष्ट्र में फैक्ट्री खोल रहा हूँ 15% टैक्स लग रहा है, यहाँ पे पंजाब में खोल रहा हूँ तो 12% लग रहा है जैसे ही, और मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि महाराष्ट्र से जैसे ही मेरा सामान होता, ये पॉइंट मैं बता रहा था आपको कि इंटरफेस नहीं है, जब इंटरफेस होता है जहाँ पे आपने सामने वाले के साथ आपको पता है कि सामने वाला कौन है करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर जैसे इंटरफेस खत्म हुआ
अब टेक्नोलॉजी सारा काम कर रही है, आपको पता ही नहीं कौन है सामने वाला, तो आप प्रॉपरली काम करोगे। उसके साथ ही फ्रेगमेंटेशन थी पहले बहुत ज़्यादा, अब वो फ्रेगमेंटेशन कम हो गई है टैक्स मार्केट की, ठीक है, हमारे रेवेन्यू बढ़े हैं जो अभी डिस्कस किया ना देखो। और पॉइंट भी देखो, पहले हम इतना टैक्स कमाते नहीं थे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा टैक्स आ रहा है, तो उसके पास अच्छा रेवेन्यू आएगा, अच्छी GDP। और अब मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्स आ रहा है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि लोग ज़्यादा पार्ले जी खरीद रहे हैं। मतलब एक वो है BN श्री कृष्णा कमेटी है, उनका रिकमेंडेशन पे ये थोड़ा चेंजेस करके बिल अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है प्राइवेसी का। मतलब इंडिया में कोई लॉ ही नहीं है डेटा प्राइवेसी के लिए, आज तक कोई लॉ नहीं है, तो ये एक मेजर इशू रहता है। एक देखो जो सबसे बड़ा इशू है ना, हम बार बार बोले जा रहे हैं वन नेशन वन टैक्स, क्या एक्चुअल में ये वन नेशन वन टैक्स है? आंसर इज नहीं। पहली बात तो देखो, एक तो डायरेक्ट टैक्स अलग लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग लग रहा है, तो एक तो इस वजह से वन नेशन वन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी कुछ चीज़ों पर DST लगता है, वो चार पांच चीज़ें मैंने आपको जो बताई थी उनके ऊपर नहीं लगता, तो सच में ये वन नेशन टैक्स तो है ही नहीं। उसके ऊपर जिनके ऊपर लग भी रहा है उनके ऊपर भी किसी पे 0%, किसी पे 5, किसी पे 12 चल रहा है, किसी पे 18 चल रहा है, किसी पे 28। ये कैसा मतलब टैक्स है कि वन नेशन वन टैक्स कहाँ से है? मतलब ये बहुत सारे क्रिटिसिज्म इस तरीके से करा जाता है कि वन टैक्स तो बिल्कुल किसी डायरेक्शन से नहीं है। और ना कुछ एग्जाम्पल भी लिखे होंगे कहीं पे कि जैसे आप भी बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में एक ही टैक्स लगता है, कुछ होगा उनका जो भी 10% लेते होंगे, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उनके यहाँ एक ही स्लैब है। इस तरह से नहीं है कि किसी को 5 में डाल दिया, किसी को 12 में डाल दिया, ये इश्यूज वहाँ पे नहीं है। तो अभी बहुत काम करना बाकी है, मतलब इस चीज़ को थोड़ा ना ठीक करने में। और क्या पॉइंट है? हाँ, ये फार्मर्स भी ना कुछ जैसे एग्रोकेमिकल्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, सेफ्टी किट्स हो गया, ड्रिप इरीगेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, इनको प्रमोट करना चाहिए, पर यहाँ पे इनको ITC नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता इनको, तो कहीं ना कहीं महंगी हो जाती हैं ये चीज़ें। जैसे अभी एग्जांपल देखो ना, अभी लस्सी के ऊपर टैक्स लगाने का क्या पॉइंट है? अभी उसके पहले रोटी के ऊपर भी टैक्स लगता था, मतलब पहले नहीं लगता था, अभी लगाया है गवर्नमेंट ने, उनके कुछ पैकेज फूड्स के ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो इनके ऊपर टैक्स लगाने का पॉइंट नहीं समझ आ रहा कि किसके ऊपर क्यों लगा रहे हो टैक्स। अभी थोड़े दिन टाइम पहले वो हुआ हॉस्पिटल बेड्स जो थे कि कुछ रेट है पता नहीं 1000 है या 5000 है, उसके ऊपर अगर आपका एक है आपका खर्चा तो उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। अब हॉस्पिटल बेड के ऊपर क्यों टैक्स लगाना भैया? तो कुछ कुछ पॉइंट्स में मतलब कन्फ्यूजन है, मतलब कि एग्जैक्टली ना कि किस चीज़ पर टैक्स लगा रहे हो। कईयों पर बोला जाता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है इसलिए टैक्स लगाना है, वो पॉइंट ठीक है, बट काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं लस्सी वगैरह जैसे कि इनके ऊपर टैक्स लगाने का पॉइंट समझ नहीं आता। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ अपने अपने देती है कि इसके पीछे क्यों लगा रहे हैं क्यों नहीं लगा रहे, पर आप पॉइंट लिखने के लिए आप लिख सकते हो कि कुछ इश्यूज पे ऐसा टैक्स हमें एग्रीकल्चर के ऊपर या कुछ इन चीज़ों के ऊपर कुछ कुछ जगह पे टैक्स लगता है। क्लियर हुआ? कॉम्प्लेक्स GST स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, पता ही नहीं लग रहा कि कैसे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्टडी ने भी ये चीज़ बोली हुई है कि इंडिया का टैक्स सेकेंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में, जो मतलब इन कंट्रीज के हिसाब से। तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है काफ़ी, जैसे आप बता भी रहे थे ना कि एक बंदे को हायर करना पड़ रहा है GST बनने के लिए। अब जैसे आप देखो आजकल आप डायरेक्ट टैक्स का भी देख लो, जो इनकम टैक्स पे करते हो, हार्डली कोई बंदा है जिसको खुद आता हो कि मैंने डायरेक्ट टैक्स कैसे पे करना है, खुद जाके नहीं पे कर पा रहे लोग, उसके लिए CA ढूंढना पड़ता है कि भैया 10,000 ले ले तो मेरा टैक्स पे कर दे। ठीक है ना, तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी रखनी ही क्यों है? थोड़ा आसानी से करो कि अगर छोटे दुकानदार है कोई, छोटा कोई है जिसको थोड़ा नहीं पता कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में, वो आसानी से कर पाए, बना बना के उनको बेचे जा, मतलब चल रहा है सामान। ठीक है, मार्केट में बहुत चल रहा है ये नकली बिल्स, तो कुछ ना 9,000 केसेज हैं कुछ टैक्स फ्रॉड के, और उनका कुछ वैल्यू है फ्रॉड की अमाउंट 45,000 करोड़। तो टैक्स को शायद फ्रॉड को इसने कम किया है, बट अभी भी बहुत सारे फेक इनवॉइसेस वाले हमें केसेज हमें देखने को मिलते हैं। ये पिछले 5 सालों में देखा गया कि मेजर इशू है GST के रिगार्डिंग। इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर काफ़ी बार बोला जाता है कि इसके थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। याद करो कि डीमोनेटाइजेशन को जैसे बोलते हैं ना कि इनफॉर्मल सेक्टर, उसमें काफ़ी इश्यूज आए, उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट GST का भी इनफॉर्मल सेक्टर था। और अभी तो थोड़ा ठीक है, पर आज से 1-2 साल पहले क्या था, ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी खराब सिचुएशन से गुजरा है। अभी तो जो चीज़ें ठीक हैं, बट उससे पहले क्या था, किसी भी चाहे मारुति सुजुकी हो गया या और भी डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनकी गाड़ियाँ ही नहीं बिक रही थी। अब गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को इनको थोड़ा हेल्प करनी चाहिए, पर उल्टा क्या हो रहा है, इनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, GST बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर अगर GST हमने कम किया होता तो शायद ऑटोमोबाइल ग्रोथ हमारे यहाँ हो पाती, पर गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टैक्स ही नहीं कम किया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगता है,
तो अगर इन चीज़ों को प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ टैक्स लेके आए. ऑलरेडी ये स्लो डाउन फेस कर रहे थे, ये हाई टैक्सेस ने इनको और इम्पैक्ट आ गया इसके ऊपर. तो ये कुछ इश्यूज हैं मतलब जीएसटी के रिगार्डिंग भी. ऐसा नहीं है कि जीएसटी बिल्कुल ठीक है. ठीक है, ठीक है. जून 25 की न्यूज़ है. तो इसमें क्या था कि जो बताया था ना कि 5 साल के लिए लगना था कॉम्पनसेशन सेस देना था, तो अभी स्टेट्स ने बोला कि इसको थोड़ा टाइम और एक्सटेंड कर दो, कुछ और सालों के लिए दे दो, 2 साल 3 साल. ठीक है, तो मना कर दिया, मतलब मना नहीं करा, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ उसके ऊपर कि क्या स्टेट्स को पैसा देना है या नहीं देना, पर सेस लगेगा. पॉइंट समझ रहे हो फ़र्क है? फ़र्क क्या है कि जो हमारा जो हमने सिन गुड्स डिस्कस करी ना, ऑटोमोबाइल हो गया, पान मसाला वगैरह, उनके ऊपर अभी भी कॉम्पनसेशन सेस लगता रहेगा और वो कॉम्पनसेशन फंड में जाता भी रहेगा. बस ये पैसा जो स्टेट है ये अभी स्टेट्स को नहीं दे रहे. तो इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं? इसका यूज़ कर रहे हैं कि जब कोविड आया ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हो गया था, उसने कुछ हद तक पैसा दिया स्टेट गवर्नमेंट को उस टाइम पे भी, तो अभी वो नुकसान को भरने के लिए एक तरह से वो पैसा यूज़ हो रहा है, पर स्टेट्स को अभी नहीं मिल रहा. मतलब अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ इसके ऊपर, हो सकता है आने वाले डेज में डिसाइड हो जाए कुछ साल और एक्सटेंड कर दो. पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि कॉम्पनसेशन सेस 2026 तक लगता रहेगा पर स्टेट्स को नहीं मिलेगा अभी तक. इसके ऊपर कुछ और चर्चा होती है और मीटिंग में फिर डिसाइड हो जाता है तो अलग बात है, अभी कह नहीं सकते, बट अभी ये सिचुएशन है एज ऑन डेट. यार याद नहीं, अभी देख लेना, चेक कर लेना, बट इतना ज़रूर है कि डायरेक्टली वो गवर्नमेंट के पास आता है. ठीक है ना, कि वो शेयर नहीं करते सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ. बाकी चेक कर ही लेता हूँ मैं अभी. ठीक है, मैं बता देता हूँ क्लास के बाद, अभी पॉइंट दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, बट उतना ज़रूर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता, तो ये चीज़ होती है उसके रिगार्डिंग. ठीक है, ये कुछ ना नई नई चीज़ें थी, जैसे आपके जो जैसे एटलस लेते हो आप ज्योग्राफी के लिए, तो पहले उसके ऊपर टैक्स था, अब वहाँ पे 12% टैक्स देना पड़ता है आपको. तो अगर आपका एटलस आपका 50 रुपये का था ना, तो अभी वो 12% उसके रेट बढ़ गए हैं. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर GST लग गया है. ठीक है, ई वेस्ट के ऊपर पहले 5% टैक्स था, अब 18% कर दिया है. उसी तरह से ये सोलर वाटर हीटर वगैरह, ये देखो इनके ऊपर टैक्स पहले 5% था, 12% कर दिया इनके ऊपर कर दिया. आपके जो अच्छा इनकी मशीन्स हैं जो एग्स की, इसके ऊपर 12% था, 18% हो गया है. आपके चम्मच वगैरह के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है. कुछ और भी होंगे, मतलब वो होटल वगैरह भी कहीं पर है. होटल आप लेते हो 1000 रुपये से ज़्यादा, उसके ऊपर पहले कोई टैक्स नहीं लगता था, 12% लगता है. उसी तरह से हॉस्पिटल्स का भी है, अगर आप ICU में एडमिट हो और आपका खर्चा 5000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, पहले नहीं लगता था. ये इस तरह के कुछ कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें होती रहती हैं GST को लेके. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें थी अभी रिसेंट. हाँ, ये था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मैंने बताया था ना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. तो ये था कि इनपुट पे टैक्स इतना है 12, 18 और 28, और आउटपुट के ऊपर मान लो कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, उस सिचुएशन को बोलते हैं क्या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार ना पैसा इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में, इसमें जो हमारे जो इस चीज़ में प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनका कुछ पैसा यहाँ पे अटक जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि इनपुट के ऊपर टैक्स ज़्यादा लग रहा है आउटपुट के ऊपर कम. ठीक है जी, तो ये था पूरा GST. कोई डाउट हो GST के रिगार्डिंग, कोई चीज़ ना समझ आई हो या ऐसा लगा होगी कि ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं करी, मैं तो सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर दिए, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, क्या क्या हुआ है अभी तक, क्या क्या हो सकता है, क्या ठीक करना है, क्या नहीं करना, पूरा GST कंप्लीट हो गया, कोई पॉइंट मिसिंग नहीं है. कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी. जैसे मैंने बताया था ना वो टीवी का एग्जांपल, टीवी के केस में कुछ इनपुट्स लग रहे हैं टीवी को लिए, टीवी बनाने के लिए, तो टीवी बनाने के लिए हो सकता है कि एक चीज़ 12% पे टैक्स लग रहा हो, जैसे उसके सेमीकंडक्टर्स, टीवी बनाने के लिए कुछ प्लास्टिक लग रहा हो उस पर 18%, और हो सकता है किसी और चीज़ पे 28%, पर पूरा का पूरा टीवी जब बेचते हैं उसके ऊपर कम टैक्स है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. अब जब ऐसा होता है ना, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान होता है क्योंकि उनका कुछ पैसा इनपुट टैक्स क्रेडिट में ब्लॉक रह जाता है. तो ऐसे जहाँ जहाँ पे सिचुएशंस हैं, बहुत जगह ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो काफ़ी जगह पे इसको ठीक कर दिया गया है, कुछ जगह अभी भी बचे हुई हैं चीज़ें इसको ठीक करना. होना क्या चाहिए, उल्टा होना चाहिए, आउटपुट के ऊपर ज़्यादा टैक्स, इनपुट्स के ऊपर कम परसेंटेज टैक्स.
डिस्कस कर लेंगे, अभी एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान से करना क्योंकि हर साल ना 3 से 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आते हैं मेंस में, सारा कुछ मिला के, इरीगेशन हो गया या एग्रीकल्चर में वैसे कुछ इश्यूज हो गया, सब्सिडीज हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, ये सारे मिला के 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पक्के ही हैं एग्रीकल्चर से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इकोनॉमी में काफ़ी पढ़ना पड़ता है तब जाके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, पर ये वाला एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट यहाँ कम पढ़ना है पर क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो ध्यान से इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस लेना। ठीक है, देखो डेटा मैंने कुछ आपको स्टार्टिंग क्लास में भी दिया था, जस्ट एक बार रिविजन के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ लगभग हमारा 300 मिलियन टन के आसपास हो रहा है हर साल, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन। कहीं डेटा यूज़ करना हो तो इस चीज़ को यूज़ कर लेना कि 300 मिलियन टन के राउंड हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। सब्सिडीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम, उसमें ये डेटा यूज़ हो जाएगा कि फूड के लिए कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, पेट्रोलियम के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए। ठीक है, तो ये कुछ डेटा था रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। तो एक मिनट सोचो और बताओ एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, जिस चीज़ के लिए सोच सकते हो, इकोनॉमी के लिए सोचना है, फार्मर के लिए सोचना है, जिस चीज़ के लिए भी, बट ओवरऑल क्या हमारे क्या ज़रूरत है एग्रीकल्चर की। थोड़े पॉइंट्स ना डाइवर्स रखना है, एक ही पॉइंट मत बताना कि ठीक है ना कि सेम ही पॉइंट घूम फिर के वही आ रहा है, कुछ डाइवर्स पॉइंट सोचो, कहाँ तक सोच सकते हो वो देखते हैं। ठीक है, सभी से मुझे एक एक पॉइंट चाहिए। देखो एग्रीकल्चर तो जानते हो, ठीक है, वैसे जीएसटी का भी आपको पता था, सुना तो सब कुछ ही है, पर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके कुछ अच्छे पॉइंट्स आएंगे सभी से। हाँ जी, बिजनेस रुको, बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप। रेड टी शर्ट, हाँ जी बताओ क्या एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। चलो ठीक है, और बाकी आगे आप। हाँ, फूड सिक्योरिटी का मुद्दा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है और रशिया और यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा वीट प्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, और ऊपर से आप देखो कि रशिया की वजह से यूरोप को कितने बुरे हाल फेस करने पड़ रहे हैं, उसी तरह से सोचो कि अगर कोई कंट्री हो और कहीं ना कहीं वो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल सोचो, जब ना इंदिरा गांधी का टाइम था, ठीक है, उस टाइम पे इंडिया के पास खाने के लिए नहीं होता था, वीट वगैरह भी हम ना यूएसए से मंगाते थे। एक प्रोग्राम होता था PL 480, पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम था, उसके थ्रू इंडिया यूएसए एक तरह से ना, मतलब गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर एक तरह से भीख मांगते थे हम वहाँ से। ठीक है, मैं वर्ड यूज़ नहीं कर रहा भीख, बट मतलब ऐसी सिचुएशन थी कहीं ना कहीं कि हमें उनके पास जाना पड़ता था कि दे दो यार हमें वीट दे दो। अब जिस जो कंट्री कहीं ना कहीं जहाँ पे फूड सिक्योरिटी नहीं है या फिर इस तरह के इश्यूज़ हैं, वो कंट्री कैसे मतलब आगे बढ़ पाएगी, जो अपने मतलब लोगों को खाना नहीं खिला पा रही, वो वर्ल्ड मतलब जो विश्वगुरु बोलते हैं ना, वो कहाँ से आ पाएगी अगर हम ये नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़रूरी है। और बताओ, हाँ बिल्कुल, मतलब एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। ठीक है, हाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग को अगर सक्सीड होना है ना, तो एग्रीकल्चर को सक्सीड होना ज़रूरी है। हाँ हाँ बताओ, समझ गया, सोशल जस्टिस पढ़ लिया है, मतलब है उसमें हिडन हंगर पड़ा होगा, है ना। हाँ,
तो जैसे मतलब यही होता है इसका मीनिंग भी कि तो वो उस सेंस में देख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है आप सभी के, बस थोड़ा थोड़ा ना इनको एलेबोरेट कर दिया करो जैसे आप बता रहे थे। ठीक है, कुछ कुछ डेटा साथ में देखे कि ये चीज़ ऐसे चल रही है, वो चीज़ वैसे है। जैसे थोड़ा ऊंची बोलो, ऊंची ऊंची आवाज ऊंची। हाँ हाँ कर सकते हो, ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हो। देखो इवन ना आपके एथिक्स के आंसर भी ऐसे लिख सकते हो आप। एथिक्स में ये चीज़ काफ़ी अप्रोच अच्छी काम करती है कि कोई कोई चीज़ आपने यूज़ करनी हो ना, तो आप देखो कि अच्छा उस वैल्यू की इंडिविजुअल के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, फैमिली के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, नेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ग्लोबल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से आप अपने आंसर में डेफिनेटली ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। एंसिलरी एक्टिविटीज कुछ आती हैं एग्रीकल्चर के साथ, बिल्कुल उस वो भी अच्छी। हाँ ठीक है, सही पॉइंट्स हैं। हाँ ये था इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, पहला पॉइंट डेफिनेटली। देखो फूड सिक्योरिटी का ही आना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया। सारे तो नहीं मतलब, बट कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो, मतलब जैसे ये सोसाइटी का, देखो ये कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के साथ भी लिंक हो सकते हैं। लिख सकते प्रायोरिटी इकोनॉमी वाले पॉइंट्स को देनी है। मान लो 5 पॉइंट्स लिख रहे हो ना, सबसे पहले इकोनॉमी का ही हिट होना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में आप बाकी चीज़ें लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस मत करना। ठीक है, तो जैसे फूड सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये डेटा मैंने साथ साथ में दे रखा है। 45% लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प हो सकती है अगर हमारे किसानों की इनकम बढ़ जाए। ठीक है जी, उसके साथ ही रूरल इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है कहीं ना कहीं रीजनल डिस्पैरिटी को रिमूव करने के लिए। पहले आ गई थी यूरोप के अंदर, पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गई थी, और भी बहुत सारे रीजन हैं कि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था या उनके वहाँ पॉलिटिक्स कुछ इस तरह से थी कि वो सारी चीज़ें कर रहे थे। पर कहीं ना कहीं अगर एग्रीकल्चर अच्छा होता है ना, तो बाकी सेक्टर्स अपने आप डेवलप करने लग जाते हैं ओवर द टाइम। ठीक है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, आप बता रहे थे $18 बिलियन एग्रीकल्चर सरप्लस है हमारा। ठीक है, इनफैक्ट ना जब से हमने ग्लोबलाइजेशन मतलब LPG रिफॉर्म्स आए हैं उसके बाद से मोस्टली हम लोगों ने एग्रीकल्चर के अंदर एक अच्छा खासा सरप्लस मेंटेन कर रखा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से अच्छा खासा फॉरेक्स आता है। फॉरेक्स आता तो आप पता पता है। ठीक है ना, फिर से पूरा सर अपने हिसाब से कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर कर सकते हो। मैं इस 4 तरह से इसको स्ट्रक्चर में करता हूँ, मतलब जैसे प्रोडक्टिविटी अगर एग्रीकल्चर की डिपेंड करती है, पहला तो हो गया फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर कि वहाँ पे रेनफॉल कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, टेम्परेचर सही है या नहीं है, क्लाइमेट है या नहीं अच्छा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। ये है फिजिकल फैक्टर्स। उसी तरह से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कुछ फैक्टर्स होते हैं कि वहाँ के लोगों को अच्छा क्रेडिट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, इरीगेशन फैसिलिटीज़ है या नहीं है, इंश्योरेंस है या नहीं है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। लैंड रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारी लैंड होल्डिंग का साइज़ क्या है, लैंड रिफॉर्म्स वहाँ हुए हैं या नहीं हुए, और लीजिंग लैंड किसी को लीज़ पे देनी हो क्या उसको आसानी से लैंड को लीज़ पे दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। उसके साथ ही कुछ होते हैं टेक्नोलॉजी फैक्टर्स जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, पेस्टिसाइड्स, ये सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। ये स्लाइड समझ लो थोड़ा, ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लो। इस स्लाइड से ना आपके बहुत सारी चीज़ें आप आंसर कर सकते हो, पॉइंट सब जगह यही आएंगे मोर और लेस। चारों में डिवाइड करना, कोई आंसर आए इन चारों में लिख देना। जैसे एक एग्जांपल सोचो कि आप सोचो कि मतलब इसको मत देखो, इन जनरल सोचो कि एग्रीकल्चर में हमारे क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे दिक्कत है एग्रीकल्चर के अंदर। हाँ ऐसे पॉइंट्स लेके आओ। हाँ बताओ। एक बहुत मेजर इशू है इंडिया के केस में लैंड होल्डिंग का साइज, फ्रेगमेंटेशन कह लो। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके साथ ही साथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। डेफिनेशन पता है किसी को? हाँ, 1 हेक्टेयर तक छोटे होते हैं उनको मार्जिनल बोल देते हैं, 1 से 2 हेक्टेयर वाले को बोल देते हैं स्मॉल फार्मर्स। तो इनको इकट्ठा करा दें अगर तो less than 2 हेक्टेयर। हाँ बताओ क्या? हाँ मतलब कह लो 86, कह लो 88 भी कहीं जगह देखने को मिलता है। 86% के आसपास जो हमारे फार्मर्स हैं ना
वो छोटे किसान हैं, बहुत छोटे किसान, उनके पास बहुत कम लैंड है, 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड। अब 2 हेक्टेयर की लैंड पे ना अच्छे सीड्स लगा सकते हैं, ना वहाँ पे ट्रैक्टर चला सकते हैं, तो ये सब नहीं होगा, तो क्या होगा, इनकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, ठीक है जी। और एवरेज लैंड होल्डिंग साइज ना इंडिया के केस में 1.08 हेक्टेयर है, मतलब एवरेज अगर निकालें तो 1.08 हेक्टेयर हमारा एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है, 1 हेक्टेयर का ज़मीन है बस। अब कहाँ से उस पर क्या चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो लैंड होल्डिंग साइज एक सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत है इंडिया के केस में, ये चीज़ को थोड़ा ठीक करना ज़रूरी है, ठीक है। और बताओ और क्या इश्यूज़ हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इरीगेशन कहाँ है, इरीगेशन आ गया ये पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। देखो एक्चुअल में है क्या कि 60% जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो एरिया है वो बारिश के ऊपर निर्भर है, रेनफेड है, बिल्कुल रेनफेड एग्रीकल्चर अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास है। तो जब मतलब देखो अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो मतलब सब अच्छा रहेगा, तो प्रोडक्शन अच्छी हो पाएगी, पर अगर बारिश अच्छी ना, बिल्कुल मैं आपको पहले भी पिछली एक दो क्लासेस पहले भी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम की एक प्रॉपर रेशो होती है, शायद 4:2:1 होती है, पर ये रेशो ये नहीं है, हमारी ये रेशो कुछ है, मतलब ऐसे कुछ है 6:3:1, ये गलत रेशो है, मतलब ऐसा नहीं है, 1:2.5 और 6.4 कुछ ऐसे नंबर है कुछ है, मतलब वो रेशो से हम बहुत भटक चुके हैं, हम नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं यूरिया वगैरह को, तो इस वजह से सॉइल अच्छी होनी चाहिए पर वो डाले जा रहे हैं यूरिया डाले जा रहे हैं, अब उससे प्रोडक्शन आ नहीं रहा, हमें लगता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, यूरिया डाल दो, वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सॉइल ख़राब हो गया, उससे लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है, बिल्कुल। हाँ वो हो गया मॉनसून वाला, रेनफॉल वाला पढ़ लिया, मॉनसून एस्पेक्ट हो गया वो चीज़, हाँ उससे मतलब 60% जो रेनफेड है इरीगेशन रेनफॉल ये एक ही चीज़ है, मतलब मोस्टली 60% रेनफेड है। हाँ चलो ये भी लिख लो, नॉलेज गैप भी, हाँ ठीक है, मतलब लोगों एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में आ जाएगा वो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में, कि ये एक्चुअली में ना थोड़ा इसको पॉइंट में थोड़ा इम्प्रूव करता हूँ, एक्चुअली में पॉइंट पता क्या है कि एक ना वो होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ना पंजाब में ये पता है हमें कि किस तरह की फसल लगनी चाहिए, ठीक है, एक टाइप है, वो सेम फसल आप जाके तमिलनाडु में नहीं लगा सकते, वो वाली सेम आप क्रॉप जाके आप बंगाल में नहीं यूज़ कर सकते, इंडिया को बहुत सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांट रखा है कि यहाँ पर ये वाली क्रॉप लगाएंगे तो अच्छा है, यहाँ पर ये वाली क्रॉप लगाएंगे तो अच्छा है। एग्जाम्पल पंजाब, पंजाब में राइस हो ही नहीं सकता, ठीक है, बट पंजाब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर राइस का, क्यों, मतलब चलो वो कर रहे हैं, मतलब पानी वगैरह पानी का अच्छा फैसिलिटी है, पर पंजाब के लिए क्लाइमेट सूटेबल नहीं है राइस उगाने के लिए, काफ़ी दिक्कत होती है पंजाब में राइस उगाने को, पर क्योंकि और रीजंस हैं, MSP अच्छा मिल रहा है या जो भी रीजंस होंगे उसको भी डिस्कस कर लेंगे, पर जब हम एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग को फॉलो नहीं ना करते तो हमारा एग्रीकल्चर इंपैक्ट होता है, मतलब हमने फर्टिलाइजर दे दिए, इरीगेशन दे दिया, उसके थ्रू कर रहे हैं पंजाब में खेती, कुछ और रीजन्स में भी ऐसा कुछ कुछ चल रहा है, पर कहीं ना कहीं वो सूटेबल नहीं है उसके लिए, समझ आया पॉइंट। तो ये आप नॉलेज गैप भी यहाँ पे बोल सकते हो कि नॉलेज गैप की कमी है, इस वजह से अगर उनको पता हो कि अच्छा पंजाब में या इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये वाली फसल यूज़ करनी है तो हेल्प होती है। ये NPK के साथ आपने ना एक स्कीम सुनी होगी सॉइल की, ठीक है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड में ये चीज़ों का पता लग जाता है कि किस तरह की फसल को यूज़ करना है किस तरह की नहीं करना, पर उसके रिगार्डिंग ही लोगों को नॉलेज गैप पता नहीं है कि एक तो ऐसी स्कीम है, अब स्कीम है तो उसको एक्चुअल में हम वही क्रॉप यूज़ करें ये भी नहीं होता, तो दिक्कत यहाँ पर भी है। और बताओ और क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दिक्कत है, मतलब हम उतना कर ही नहीं पाते, कुछ कुछ जैसे ना यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, मतलब 2-4 यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के कोई एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हमारे पास ना अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, 2-4 हैं मतलब ऑब्वियसली, बट उसके बाद कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जो किसानों को बता पाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ कुछ मतलब इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के पर वो कहीं ना कहीं पहुँच नहीं पा रहे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव दिखाऊंगा क्या इनिशिएटिव्स हैं हर चीज़ के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए जो आप सोच सकते हो ना हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ कर रखा है पर फिर भी नहीं हो पा रहा, मतलब उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम बताओ आप कुछ कह रहे ना कहते। हाँ सीड की क्वालिटी में भी दिक्कत है, ठीक है ना, मोनोपोली है कुछ पर्टिकुलर कंपनीज की वही मतलब करती हैं, ठीक है,
फर्टिलाइजर वगैरह का ओवर यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड का ओवर यूज हो रहा है, प्रॉपर यूज नहीं हो रहा, और कुछ क्या महिलाओं हाँ मतलब एक तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी सॉरी फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो तो रहा है, पर कहीं ना कहीं मतलब उनके पास भी उतना पोटेंशियल नहीं है कह लो, या मतलब पावर नहीं है उस तरह की कि वो चीज़ में, या फिर ऐसा हो सकता है कि देखो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक रीज़न उसके पीछे का ये भी है कि जो मेल मेम्बर्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं सिटीज़ को कि वो किसी काम के चक्कर में, ठीक है, पीछे रहेगी फीमेल्स, तो वो एक तरह से मतलब वो एक्चुअल में चाहती नहीं है उस काम को करना, पर उनको करना पड़ रहा है, और पैसा भी जो आता है कमा के वो उनके पास वो यूज़ नहीं कर सकती, उस तरह से आप कह सकते हो। क्रेडिट का इशू रहता है, क्रेडिट का डेटा दूंगा मैं आपको कि आज भी ना जो हमारे किसान हैं 28% किसान जो लोन लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए वो मनी लेंडर्स के थ्रू लेते हैं, बहुत सारे किसानों का हमारे पास अकाउंट ही नहीं बना हुआ आज तक भी, तो उनको क्रेडिट की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ नहीं हो पाती, ठीक है। और लैंड लीजिंग भी होता है कि किसी को लैंड लीज पे देनी हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्ट है वो एक्ट में कुछ कुछ दिक्कतें हैं, आसानी से किसी को लैंड लीज पे नहीं दे सकते। लैंड रिफॉर्म्स भी मतलब अच्छे, ये एक्चुअली में ना लैंड रिफॉर्म्स हमारी 1950s के बाद हुई इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, पर वो सक्सेसफुल नहीं थी, दो चार जगह पे थी जैसे वेस्ट बंगाल में थोड़ा ठीक हुआ, आई थिंक केरला में भी ठीक था, उसके अलावा इसमें कुछ इश्यूज थे बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स में, कुछ एक्सेप्शंस थी, उस वजह से लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई और उनका खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या क्या लिखा है इसके बारे फर्दर, ठीक है, एक बार पढ़ो, मतलब कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा बताओ मुझे, बट आई थिंक मैंने कवर कर दिया होंगे ज़्यादातर। हाँ ये देख लो, एरिया अंडर कल्टीवेशन कम हो रहा है, रूरलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ये ना कुछ बस पॉइंट्स सिमिलर से ही हैं, डेटा वगैरह यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि कितना 141 मिलियन है उसमें से 60% कल्टीवेशन मरीन बेड है, ये आप डेटा यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। बाकी बस ये वाला पॉइंट नहीं हमने डिस्कस किया था, एरिया अंडर कल्टीवेशन वाला, बाकी हमने डिस्कस करा ही है मोस्टली, ठीक है, क्लियर है स्लाइड, आगे चलें। एग्रीकल्चर लेबरर्स की हालत अच्छी नहीं है, ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस है, ठीक है, ये मतलब एक्चुअली मतलब एग्रीकल्चर का इशू नहीं है, फार्म लोन वेवर, ये फार्म लोन वेवर भी दिक्कत देते हैं, ठीक है ना, जब किसी को पता है कि मतलब कई बार ना जैसे मान लो कि मैं एक किसान हूँ पर मुझे मैं पैसे वापस कर सकता हूँ, मैंने बैंक से लोन लिया है मैं पैसे वापस कर सकता हूँ, पर मुझे पता है, मुझे ऐसा आइडिया है कि सरकार इसको माफ़ कर देगी, इस उसको लोन को माफ़ कर देगी, सरकार ने सोचा हुआ है कि उसके इलेक्शन आ रहे हैं तो सरकार ने मुझे पता है कि माफ़ कर देगी तो मैं ही नहीं पे करूँगा। टेक्निकली माफ़ उन लोगों का होना चाहिए जो पे नहीं कर पा रहे, पर मुझे पता है कि नहीं सरकार उसको माफ़ कर देगी, तो इस वजह से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दे सकते हैं पर वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं मॉरल हैज़ार्ड, इस चीज़ को, ठीक है। बाकी ये थोड़ा डेटा देख लेना, अभी थोड़ा पुराना डेटा है कि फार्मर सुसाइड्स बहुत सारे हो रहे हैं, 8,000 के करीब करीब ना हर साल फार्मर्स इतने सुसाइड कर लेते हैं, 5,000 कुछ लेबरर्स हैं हर साल सुसाइड कर रहे हैं, आप R&D का बता रहे थे 1% से कम R&D है, हाँ ये भी, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे ना पोस्ट प्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं, कोल्ड चेन स्टोरेज कहाँ पे, उसको स्टोरेज कहाँ पे करनी है, वेयर हाउस नहीं है, एग्रो प्रोसेसिंग में कुछ दिक्कतें हैं, ये भी एग्रीकल्चर की दिक्कतें हैं, उसके अलावा MSP स्ट्रक्चर जो हमारा है वहाँ पर इश्यूज आते हैं। देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग ये चौथा क्वेश्चन कर लोगे डिस्कस, बताओ मुझे ये वाला, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स, मेरी सिद्धार्थ सर से बात हुई, आपको करवा चुके हैं सर, ये बताओ क्या है, ये पढ़ चुके हो, नैनो नहीं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ओके ओके, मतलब केमिकल का यूज हम कम कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के यूज पे प्रोडक्शन एनहांस कर सकते हैं, हां हां, और बाकी भी ऐड अप करो यार, तुम लोगों ने पढ़ पढ़ रखा है बायोटेक्नोलॉजी, सर ने पढ़ाया बहुत अच्छे से, अच्छा ठीक है,
कोई और पॉइंट? सर मतलब जो फैक्टर्स हैं सीड को लेके वाटर को लेके, हाँ एक एक पॉइंट सब नहीं हैंडल करेगा। ओके, पर बीटी कॉटन वगैरह का नाम ही नहीं लिया किसी ने। हाँ मतलब चलो ठीक है, समझ गया, ठीक है चलो जीएम कह दिया, चलो ठीक है। मतलब एग्जांपल्स वगैरह दे दिया करो, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल चलो अलाउड नहीं है, बट कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का मैं आंसर चाहता हूँ कि डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी ने क्या किया हुआ है, जिनको पता है ये। मतलब इंजीनियर्स डे जो, आप में से कितने लोग इंजीनियर्स हो? इंजीनियर्स डे जो मनाते हो ना, कब मनाते हो? 1st जुलाई नहीं यार, 15 सितंबर आई थिंक, 15 सितंबर। हाँ हाँ, गंगा नहीं, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हाँ कृष्णा, राजा सागर, राजा कृष्णा सागर डैम ऐसे कुछ डैम है। ठीक है, बाकी लोग भी एक बार पढ़ के आओ डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में, और स्वामीनाथन जी का चलो पता होगा बट फिर भी इनको एक बार पढ़ना कि स्वामीनाथन जी ने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करोगे और बायोटेक्नोलॉजी वाला एक बार रिवाइज करके आओगे कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या। ठीक है, चलो रैप अप करते हैं, 2 बज गए, रैप अप करते हैं क्लास को।